दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 247 की ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं क्वीन रेंगसू को, जहां पर क्वीन रेंगसू बिबडोंग से फाइट कर रही थी, लेकिन वह इस फाइट में ठीक से बिबडोंग का सामना नहीं कर पा रही होती है। तभी क्वीन रेंगसू उठते हुए कहती है, मैं यहाँ पर नहीं हार सकती और स्पेशली तो मैं तुम्हारे हाथों नहीं हारने वाली। और ये कहते ही क्वीन रेंगसू शायद से अपनी एंजल गॉड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं क्वीन रेंगसू अपनी एंजल गॉड की दी हुई पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उसी के साथ ही बिबडोंग पर बहुत ही स्पीड से अपनी तलवार से अटैक करने लगती है। और हम इस वीडियो में भी साफ साफ देख सकते हैं क्वीन रेंगसू बिबडोंग को कोई भी अटैक करने का मौका तक नहीं दे रही होती है। और इसी बीच क्वीन रेंगसू बिबडोंग से कहती है, मैं तुमसे वह सब कुछ वापस लूंगा जो मेरा है और साथ ही जो तूने 20 साल से हुहन एम्पायर में रहकर पोजीशन के लिए लंबे समय से प्लान कर रहे हो, मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हारे सपनों को तोड़ दूंगा और उसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच एक विराम होगा। जिसकी अगले दिन में हम देखते हैं क्वीन रेंगसू बिबडोंग को टोटली हरा चुकी होती है। तभी उसी समय क्वीन रेंगसू का माइंड और क्वीन रेंगसू का सोल पावर टेंशन के करीब जाती है, जिसे देखकर क्वीन रेंगसू कहती है, टेंशन इस तस्वीरों के बीच है, इसका मतलब मेरा अगला सामना टेंशन से होने वाली है। आगे बताती है, टेंशन तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ी दुश्मन हो और तुम मेरी लाइफ लॉन्ग दुश्मन रही हो और साथ ही तुम मेरे दिल की तीसरी बाधा हो। दोस्तों इस आने वाले एपिसोड में टेंशन और क्वीन रेंगसू का दोबारा से मुलाकात होने वाला है, इसको हम आने वाली एपिसोड में डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के टेंशन की तरफ आ जाता है, जहां पर टेंशन डार्क डेविल गॉड टाइगर को पूरी तरह से मार चुका था और उसकी सोल रिंग को भी हासिल कर चुका होता है, जिसके बाद वो दूसरा सोल बिस्ट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। मगर पिछले फाइट के कारण सभी सोल बिस्ट भाग चुके होते हैं। तभी टेंशन कुछ आगे जाकर अपनी ब्लू सिल्वर डोमिन को एक्टिवेट कर सोल बिस्ट सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे डेमन स्पाइडर एम्परर मिल जाता है। वैसे दोस्तों टेंशन इस डेमन स्पाइडर एम्परर कैसे मारता है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके आज रात के 8:45 पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसके बाद टेंशन डेमन स्पाइडर एम्परर को टोटली किल कर और उसकी सोल रिंग को भी हासिल कर लेता है, जिसके बाद वो दूसरा सोल बिस्ट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इतना कुछ ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी सोल बिस्ट नहीं मिल रहा था, जिसे देखकर टेंशन कहता है, अजीब बात है कि मैंने इतने लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे एक भी सोल बिस्ट नहीं दिख रहा है, आखिर क्यों? आगे बढ़ते हुए टेंशन एक बार और दोबारा से ब्लू सिल्वर डोमिन को चारों तरफ फैला देता है, लेकिन तभी उसे 3 पावरफुल सोल बिस्ट होने का महसूस होता है। इसे देखकर टेंशन गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वह देखता है कि वो सारे सोल बिस्ट एक ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आमिंग और डामिंग रहते थे। वैसे दोस्तों कुछ साल पहले आमिंग और डामिंग इनको हराकर यहां से भगाया था, लेकिन ये दोनों मारे जाने की वजह से यह सारी फिर से यहां पर आ चुके हैं। इसके बाद टेंशन फ्लाइंग करते हुए कुछ आगे चला जाता है। तभी हम देखते हैं वो सभी भी टेंशन का आने का इंतजार कर रहे थे। जब टेंशन उनके पास जाता है तो वह ये देखकर चौंक जाता है। वैसे दोस्तों इस बार टेंशन का सामना डेविल गॉड टाइगर की तरह सोल बिस्ट से नहीं हुआ था, बल्कि किसी भी फॉरेस्ट में आसानी से नहीं मिलने वाली सोल बिस्ट हुआ था और इनका सामना 15 टन एंट से हुआ होता है। ये सभी देखने में एक ही जैसे थे और इनकी बॉडी में से ब्लैक डार्क एनर्जी निकल रही होती है। वैसे कुछ साल पहले ग्रैंड मास्टर ने इसकी कल्टीवेशन और इसके पावर के बारे में बताया था। वैसे ये तीनों ही भाई होते हैं और इसी के साथ ही इसे देखकर टेंशन कहता है, मुझे इन सब 15 टन एंट्स की कल्टीवेशन 1,00,000 ईयर के करीब लग रहा है और साथ ही मुझे डर है कि इन सारी चीटियां की पावर मुझसे ज्यादा पावरफुल ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे इनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इतना कहते ही आज का हमारे ट्रेलर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।